भी स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, निम्न आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्स की। और कल ही मैंने बताया था स्टीरियन एंगल प्रॉपर्टीज होती है, वो स्टीरियन एंगल का अगर हम सम करेंगे 360 आता है, तो उसी से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय स्टीरियन एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय स्टीरियन एंगल प्रॉपर्टी मींस y कोणों के गुण से, y कोणों के गुण से। तो y कोणों का, कोणों के गुण से का मतलब हुआ कि जो y कोण होता है, y कोणों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना? x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल कितने की होगा? 360 डिग्री हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं 125 को, तो 125 डिग्री और 125 प्लस करेंगे 5 5 10, कैरी 1 2 2 4 और 1 5 और 1 1 2, तो कितना हो गया? यस प्लस 250 डिग्री इक्वल इक्वल 360 डिग्री हो गया। अब ये हो जाएगा यस यस इक्वल इक्वल 360 डिग्री। ये प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस 250 उधर जाएगा, 250 माइनस में चला जाएगा, तो यस यस इक्वल इक्वल 360 में से 250 माइनस करिए, 0 में 0 गए 0, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, यानी यक्स की कितनी वैल्यू आ गई? 110 डिग्री। और हमें यक्स की वैल्यू निकालनी थी, इसे ही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर बी, यानी फर्स्ट का बी पार्ट, बहुत इजी है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लाइन सी थी, ये लाइन सी थी, यानी परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री एंगल। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। अब अगर हम देखें तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी? एक्स की वैल्यू। और हमने आपको पहले ही बताया था स्टीरियन सम ऑफ स्टीरियन एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। वाई कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे बाय स्टीरियन एंगल प्रॉपर्टी, स्टीरियन एंगल्स प्रॉपर्टी कितनी में लिखेंगे? सिंस y कोणों का योग, सिंस y कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए, ठीक है, होता है इसलिए, सबको सम कर लीजिए, यानी जोड़ लीजिए सबको, सबका सम कर लें। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, x प्लस 90 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल कितने की होगा? 360 डिग्री। यहाँ कितना लिख देंगे? 360 डिग्री। अब इन सबको ऐड कर लें, 90 प्लस 90 180, तो 180 हो गया, और 60 प्लस 70 130, ऐड कर लीजिए 0 0 0, 8 और 3 11, कैरी 1 1 2 3, 310 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 310, यानी यस प्लस 310 डिग्री इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। तो यस यस इक्वल इक्वल 360 डिग्री, ये प्लस 310 उधर जाएगा तो माइनस 310 हो जाएगा, तो यस इक्वल हो जाएगा। अब 360 है, 360 में से 310 को हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो 0 में से 0 गए 0, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 3 कुछ नहीं, मींस कितना आ गया? 50 डिग्री।
तो हमारी वैल्यू क्या आ गई x की 50 डिग्री आ गई। ये हमारा आंसर हो गया और हमें यही फाइंड आउट करना था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे।